राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सरकार जेपीसी पर राजी नहीं, तो क्या संसद ठप ही रहेगी? यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि 13 मार्च से दोनों सदन की कार्रवाई ठप है। एक हफ्ते से दो चेहरों को लेकर दोनों सदन ठप है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला वो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इतिहास में पहली बार लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद की पहली मंजिल पर पोस्टर बैनर लहराए गए। विपक्ष अडानी पर अड़ा दिखा, मोदी अडानी के खिलाफ नारों से पूरा संसद परिसर गूंज उठा। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कांग्रेस सांसदों के साथ दूसरे दल के नेताओं ने वी वांट जेपीसी की मांग को लेकर संसद की बालकनी से पोस्टर लहरा दिए। संसद के अंदर नारेबाजी हुई और जमकर बवाल देखने को मिला। कांग्रेस सांसदों ने एक बार फिर मोदी अडानी भाई भाई देश लूट कर खाई मलाई के नारे लगाते हुए अडानी केस पर जेपीसी की मांग कर डाली। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी दलों के सांसद पहली मंजिल पर प्रदर्शन करते दिखे। सभी सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर थे जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रही। इधर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कांग्रेस से अलग प्रदर्शन किया। वो अडानी मुद्दे पर पीएम से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, ममता दीदी की पार्टी अडानी मुद्दे पर विपक्ष से अलग होकर प्रदर्शन कर रही है। हंगामे की भेंट चढ़े दोनों सदन के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। धनखड़ की बैठक से विपक्षी दल नदारद दिखे और संसद परिसर में उन्होंने अडानी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा, हमें चाहिए जेपीसी, परम मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र को दाव पर मत लगाओ, जेपीसी बिठाओ, संसद चलाओ और सच्चाई सामने लाओ। इन सब के बीच सरकार की तरफ से मंगलवार को भी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने को कहा गया। पीयूष गोयल ने कहा, सभी दलों के सहयोग से सदन चल पाएगा। संसद हो या सोशल मीडिया, कांग्रेस पीएम मोदी पर हमलावर है। मंगलवार दोपहर को कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया और निशाना साधा। कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ लिखा, डोर उसके हाथ में है। साफ है, अडानी पर विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने से कम पर राजी नहीं है।